मैंने ध्यान से हिसाब लगाया है साहिब, और पूरा सरकारी लगान भी भरने को दिया है। फिर भी आप एक बार हिसाब देख लीजिए। आपकी योजना अच्छी है। खेड़ा में गेहूं काफी सस्ता है, ये आपके लिए फायदे का सौदा होना चाहिए। इतना सारा गेहूं आप खरीद तो रहे हैं, लेकिन कैसे? मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इसमें लगा दी है साहिब। एक बार फिर सोच लीजिए दशरथ जी, क्योंकि अगर घाटा हुआ तो घर बार सब बिक जाएगा। मैंने सोच समझकर ही कदम उठाया राव बहादुर साहिब। पूरे शिरडी में जब सबसे सस्ता गेहूं मैं बेचूंगा तो गांव वाले कहीं और क्यों जाएंगे, मेरी दुकान से खरीदेंगे ना। शिरडी? अरे हाँ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, क्या लिखा हुआ तो है, मतलब आप शिरडी से हैं? जी। फिर तो आप साई बाबा को जानते होंगे। आप जानते हैं साई को? जानता हूं, यूं समझिए कि आज मैं जो भी हूं साई की कृपा से हूं। ओम साई राम। बस एक ही मलाल है कि आपकी तरह साई के पास रहकर उनकी सेवा का सौभाग्य नहीं मिला है। कितने भाग्यशाली हैं आप तो रोज मिलते होंगे साई से। अब जी, अब मुझे आपके घाटे की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि यहां आने से पहले आपने साई का आशीर्वाद अवश्य लिया होगा। फिर तो घाटे का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा काम हो गया हो तो मैं चलूं? यहां से आप सीधा शिरडी जा रहे हैं ना? हाँ। क्या आप मेरा एक काम करेंगे? ईश्वर को याद करने के लिए साई को किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं, और जहां तक मैं समझता हूं साई को अनुष्ठानों में विश्वास नहीं है। साई धर्म और जाति से परे, किसी को नहीं पता कि वो कहां से आए हैं। गुरुवर की बातों से तो मुझे यही लगा कि साईं कोई संत या पुजारी नहीं है, और तो और उनकी जात उनका धर्म भी किसी को पता नहीं है। तो फिर साहिब मुझे क्यों भेज रहे हैं साईं बाबा के पास? वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ऊंची जात का पंडित हूँ, ये सब नहीं कर सकता हूँ। इतने सालों से अपना धर्म निभाता आ रहा हूँ, साईं बाबा के पास गया तो मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये मैं किस धर्म संकट में, किस दुविधा में फंस गया? मेघा, जी साहेब। मेघा, मैं जानता था कि तुम सच्चे मन से मेरी मदद करना चाहते हो, तभी तो भगवान ने रास्ता भी निकाल दिया। ये दशरथ जी हैं, शिरडी से है। प्रणाम। प्रणाम। आज ही वापस जा रहे हैं, तुम इनके साथ जा सकते हो साईं बाबा के पास। मेरे लिए ईश्वर से कम भी तो नहीं है आप साहेब। ये जीवन आपका ऋणी है साहेब, आपका आदर सम्मान करना मेरा नैतिक कर्तव्य है।
जी साहेब, मैंने तैयारी कर ली है। प्रस्थान के लिए मैं तैयार हूं। ओ साई राम, प्रणाम साई। राम जी भला करें। क्या बात है साई, आजा बचाना के थाल निकालकर सजा क्यों रहे हैं? द्वारका माई से इसके जाने का समय नजदीक आ रहा है तात्या। जिसके हाथों में इस थाल को जाना है, शोभा बढ़ानी है, जिसकी पूजा से इस थाल को अनमोल बन जाना है, वो आज शिरडी आ रहा है। अच्छा, आपने पहले जिक्र किया था लेकिन बता रहे था कि वो है कौन। आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि वो जरूर कोई महापुरुष होंगे। वो एक रत्न है। सभी रत्न जैसे पहले पत्थर होते हैं, वैसा ही कुछ है वो। अभी तो साधारण पुरुष है और उसमें एक नहीं कई दोष हैं, पर उसमें काबिलियत है, क्षमता है और मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उसने अपने दोषों पर, बुराइयों पर विजय पा ली तो समझ लो शिरडी को एक अनमोल रत्न मिल जाएगा। पर वो है कौन साई? उन्हें जानने की मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है। सबूरी दात्या, सबूरी। जब वो आएगा तब जान जाओगे। लीजिए अभी खाइए। माफ कीजिएगा, मैं शिव शंकर का पुजारी हूं। तन को हमेशा शुद्ध रखता हूं ताकि मेरी पूजा में कभी कमी ना आए। इसीलिए ऐसी जगह का कभी नहीं खाता जहां लोग निष्ठा से ना बनाते हों। और ये सब बाजार के खाने में संभव नहीं है। वाह, कोई तो है जो शास्त्रों में लिखी बातों को मानता है, उनका पालन करता है। क्यों, आपके गांव में जो साईं बाबा रहते हैं क्या वो ऐसे नियमों का पालन नहीं करते? नियम? तुमने शायद साईं को कुछ और ही समझ रखा है। अरे कोई साधु महात्मा नहीं है जो किसी पवित्र आश्रम में रहता हो। फिर कहाँ रहते हैं वो? एक खंडहर में जहां ठीक से दीवारें भी नहीं है। समझ लो कोई सभ्य इंसान नहीं रह सकता है वहां। और तुम उस आदमी से नियम कायदे के पालन की उम्मीद रखते हो? उसका अपना एक ही नियम है, लोगों से मांग कर पेट भरना। बस तुम जैसा इंसान खाने में निष्ठा की बात करता है लेकिन वो साईं भीख में मिला खाता है। जहां से जो भी मिल जाए, रूखा सूखा जूठा ताजा, जो भी मिले सबके साथ बांट के खा लेता है। चलो शुरू करें। साईं, एक ही पत्तल में? हाँ, आज ये एक ही है और साथ खाने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि उससे प्यार बढ़ता है, दूरियां मिट जाती हैं। शुरू करो।
मतलब सबका झूठा भी। साई के बारे में आप मुझे और क्या बता सकते हैं? क्या क्या बताऊं? मुझे तो डर है कि आपको पूजा पाठ का भी समय मिल पाएगा या नहीं। साई तो दिन भर गरीबों में घुसे रहता है, कोई रोगी, कोई कोढ़ी, गरीब से गरीब, रास्ते में पड़े हुए लोग, जानवर, इंसान, कोई भी कभी भी आ जाता है उस खंडहर में। गरीब से गरीब लोग भी? मतलब छोटी जातियों के लोग भी वहां आते हैं? जाति ही नहीं, हर धर्म के लोग दिन भर उस खंडहर में बैठे रहते हैं। हर धर्म के? हे भगवान, कहां फंसा दिया मुझे। पता नहीं साईं कौन है, किस जाति धर्म के हैं, और मैंने तो आजीवन सिर्फ शिवशंकर की सेवा का प्रण लिया है, मैं साईं की सेवा कैसे करूं? सम्राट दादा उधर कहाँ जा रहे दौड़ते हुए? उसे तो घर जाना चाहिए था। लगता है पुराने हनुमान मंदिर जा रहा है, पर मंदिर तो दूसरी तरफ है, फिर इधर कहाँ जा रहा है? मेरा काम हुआ? हाँ, ये ले, तेरे लिए कुलकर्णी सरकार से पैसे लेकर आया हूं। समय पर ब्याज समेत लौटा देना, वरना वो तेरे घर अपने लठित भिजवा देंगे। हाँ हाँ, दे दूंगा, चल पहले पत्ते बांटते हैं। आज तो आराम से घर जाऊंगा, वरना बाबा के सामने गया तो मुझे फिर से पढ़ने के लिए बिठा देंगे, और एक बार फिर मुझे पढ़ने का नाटक करना पड़ेगा। यार सम्राट, एक बात बता, तू हर दूसरे दिन पाठशाला नहीं जाता, पढ़ता नहीं है, तो तेरे अध्यापक तेरी शिकायत नहीं करते तेरे बाबा से? अरे मेरे पास बहानों की कमी थोड़ी है, मैं हर बार कोई नया बहाना बना देता हूँ। और रही बात शिकायत की,
तो बाबा के सामने कोई दूसरा बहाना बना दूंगा, क्योंकि मेरे बाबा मेरी हर बात मानते हैं। चलो वकील बनेगा, वकील, बहुत बड़ा नामी वकील, अपने खानदान का नाम रोशन करने के लिए पैदा हुआ है मेरा बेटा। मेरा बेटा मुझे विलायती टोपी और कोट बनवाकर पहनाएगा। तेरी तरह सोच नहीं है इसकी, जो ये पुरानी साड़ी का फेटा बना कर दे। बाबा को कितनी उम्मीदें हैं सम्राट दादा से, और ये पढ़ने की वजह है यहाँ आवारा लड़कों के साथ जुआ खेल रहा है। अगर बाबा को यह सब पता चलेगा तो उनका दिल टूट जाएगा। लेकिन अगर बाबा को नहीं बताया मैंने तो सम्राट दादा और बिगड़ जाएगा। मुझे बताना ही होगा, पर क्या वो मेरी बात मानेंगे? आज मेरे लिए फूल नहीं लाई। अब साईं, मैं अभी घर जाकर ले आती हूँ। रहने दो, आओ मेरे साथ, वहां तुम्हें फूल भी मिलेगा और तुमसे मदद भी मिलेगी मुझे। आओ। साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम। क्या मुझे साई को बताना चाहिए? अगर मैं उन्हें बताऊंगी तो वो जरूर मदद करेंगे। आज तो मैं आपको भिक्षा जरूर दूंगा, आखिरकार मेरे बेटे का जन्मदिन जो है, आज तो मैं किसी आवारा जानवर को भी भूखा ना रखूं। आप तो फिर भी हमारे गांव के पुराने भिखारी मतलब फकीर हैं। नहीं, अपने कारण साईं को और बेइज्जत नहीं करवा सकती। उपासना, यहां बहुत से फूल हैं, मेरे लिए एक फूल ले आओ। और चीज है उपासना, जिसे तुम्हें देखना चाहिए। इस घड़े को देखो, इसके पेंदी में एक सुराख है, देखो गौर से देखो। हाँ साईं, इसमें तो बहुत बारीक छेद है,
जानती हो ये कैसे हुआ? जब चाक से कुमार ने इसे उठाकर नीचे जमीन पे रखा तो वहां एक बड़ा ही नुकीला कांटा था, खड़ा कच्चा था। कांटा उस गीली मिट्टी में पेवस्त हो गया। जब कुमार ने इसे आग में पकाने के लिए उठाया तब उसका बिल्कुल ध्यान नहीं गया उस बारीक सुराख पर। घड़ा पक गया और सुराख भी पक्का हो गया। अगर वक्त रहते कुमार अपनी गलती को सुधार देता तो आज ये घड़ा काम का होता। मैं कुछ समझी नहीं साईं। उपासना, मन में उठा कोई भी प्रश्न, शंका, विचार, वक्त रहते अगर उसका उत्तर ना ढूंढा जाए, निवारण ना किया जाए तो वो हमेशा के लिए रह जाता है, फिर उसे सुधारा नहीं जा सकता। जब भी दुविधा हो तो हमेशा सच का साथ दो, क्योंकि वही सही रास्ता है। साईं, क्या इससे सब ठीक हो जाता है? तुरंत तो कुछ भी ठीक नहीं होता, वक्त लगता है और सच का रास्ता बहुत कठिन होता है, लेकिन शुरू शुरू में। लेकिन अगर तुम सच का साथ ना छोड़ो, अपने इरादे पे अटल रहो तो जल्द ही हर मुश्किल तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी और हीरे की कीमत जिसे जाननी है वो जान जाएगा। सच है, साईं से कुछ नहीं छुपता, मन की बात भी नहीं। तभी तो उन्होंने मुझे ये सुझाव दिया। अगर मैंने बाबा को ये सच नहीं बताया तो सम्राट दादा का ये गलत काम यूं ही चलता रहेगा। इसलिए मुझे ये सच बाबा को बताना ही पड़ेगा, चाहे जो भी हो। मेरी मदद करना साईं। देखो ये सब सम्राट के लिए, ये मिठाइयां और ये खास नासिक से मंगाई है उसके लिए, ये कपड़े और ये किताबें। भाइयों, देखना ये सब देख के सम्राट कितना खुश होगा। अभी इन सामानों पर पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी? हर बार लाते थे तो बात और थी, पर इस बार आपने पहले ही सारी जमा पूंजी कारोबार में झोंक दी है। कुछ समय हमें संभल के चलना होगा। तुम क्यों चिंता करती हो सिंधु? देखना जितनी पूंजी लगाई है सब वापस आएगी, मैं सब कमाऊंगा वो भी मुनाफे सहित। अरे ये पैसे बर्बाद थोड़ी ना किए मैंने, अपने बेटे पर खर्च किए हैं मैंने, निवेश किया है बेटे पर। और देखना जिस दिन सम्राट बैरिस्टर बन जाएगा क्या ठाट होंगे हमारे, लोग सलाम करेंगे। बाबा तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाए हैं, सिजोल खर्च करने के लिए पैसे नहीं मेरे पास।
जब भी दुविधा हो तो हमेशा सच का साथ दो, क्योंकि वही सही रास्ता है। जय लक्ष्मी मैया। बाबा वो ना मुझे सम्राट दादा के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। क्या क्या बात करनी तुझे सम्राट के बारे में? अब वो मैंने ना थोड़ी देर पहले सम्राट दादा को क्या सम्राट दादा को? सम्राट दादा को उसके दोस्तों के साथ जुआ खेलते हुए देखा। उसके दोस्त दिखने में आवारा और बिगड़े हुए लग रहे थे। मैंने उनकी बातें सुनी, पता चला कि सम्राट दादा बहुत समय से जुआ खेल रहा है, ना पाठशाला जाता है और ना ही हनुमान मंदिर। पढ़ने की जगह सम्राट दादा ये सब कर रहा है। झूठी, साई क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए। किसी के साथ किसी भी सूरत में। हम कुछ समझे नहीं साई। अब आप लोग अपने काम पर जाइए। जैसा आप कहें साई, अगर आपको कुछ भी जरूरत हो तो हमें बताइएगा। चलो चलते हैं। शुक्र है शिव शंभू का, सब जल्दी चले गए। अब मैं अंदर जा सकता हूं। रुको, खबरदार जो अंदर कदम रखा। जाति धर्म की शंका कुशंका मन में रख के इस द्वारका माई में तुम कदम नहीं रख सकते हो। यहां आने से पहले सारे भेदभावों को बाहर छोड़ के आना पड़ेगा। साई बाबा, वो इंसान की पहचान उसके कर्मों से ना करके उसकी जात धर्म से करना ईश्वर की नजरों में सबसे बड़ा गुनाह है। और ये गुनाह तब और भी अजीम होता है जब कोई खुद को भगवान का परम भक्त कहता हो। परम भक्त है तो उसका तो एक परम धर्म होना चाहिए
कि सभी प्राणियों को ईश्वर का अंश मानकर किसी से भेदभाव ना करें। खुद को पंडित मानते हो तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि दूसरों का आकलन करना, उन्हें परखना, उनका मूल्यांकन करना यह तुम्हारा नहीं भगवान का काम है। तुम्हें लगता है मन में शंका रखकर तुम पुण्य कमा लोगे, उस ईश्वर का सानिध्य पालोगे? अकल्पनीय, कहां खेड़ा कहां शिरडी, वहां खेड़ा में मेरे मन में जो विचार आ रहे थे, साईं बाबा यहां शिरडी में बैठे बैठे सब जान गए। मैं तो कभी इनसे मिला भी नहीं। अद्भुत। बस सबको इतना पता है कि उनका हमारे जीवन में आना जैसे हमारे जीवन का दिशा पाना। लेकिन वो किस ईश्वर की आराधना करते हैं? मेरे लिए तो वही ईश्वर है, परम ब्रह्म। गुरुवर राव बहादुर साहिब सही थे, साई अंतर्यामी है, और कोई भी अंतर्यामी साधारण नहीं हो सकता। मुझे पहले ही पता था ये लड़की एक दिन मेरे लिए मुसीबत बनेगी। एक तो लड़की छात्र, ऊपर से झूठी, और अपने ही भाई पर झूठा इल्जाम। नहीं बाबा, मैंने जो कहा सच कहा। मेरा विश्वास कीजिए सम्राट दादा। बस, तो फिर से कोई झूठी कहानी गढ़ेगी मेरे सम्राट के खिलाफ? आओ, शांत हो जाइए। आखिर ये झूठ क्यों बोलेगी, और वो भी अपने ही भाई के बारे में? बहुत भोली हो तुम, जो इसकी मंशा नहीं समझ सकी। लेकिन मैं इसे खूब समझ गया हूं। मुझे पहले से ही शक था कि इसे अपने ही भाई से चलन होती है, क्योंकि मैं सम्राट से वैसा ही व्यवहार करता हूं जैसा एक बेटे के साथ किया जाता है, और इससे यह देखा नहीं जाता। इसीलिए या तो सम्राट की बराबरी करने की कोशिश करती है या उसे नीचा दिखाने की। कभी बेटा बनाकर मुझे अपनी तरफ करने की कोशिश करती है, तो कभी उसके गले में सोने की माला देखकर खुद कबाड़ की माला पहनती है, कभी सम्राट की परीक्षा में देरी करने की कोशिश करती है, और जब इसकी कोई चालबाजी नहीं चली तो इसने सम्राट को मेरी नजरों में गिराने के लिए इतना घिनौना झूठ बोला। बाबा, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला है। मैंने आपकी तरह हमेशा सम्राट दादा की भलाई ही चाहिए। मैंने हमेशा उनकी सफलता के लिए प्रार्थना की है, और आज मैंने जो देखा आपसे वही कहा। मैं साई की सौगंध खाने। जो इस फकीर का नाम मेरे सामने लिया तो उपास नाम बच्ची नहीं रही, उस पर हाथ क्यों उठा रहे? सही कहा, इसे मार कर मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने। खैर, सम्राट को आने दो, आज ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और याद रख, अगर तू झूठी साबित हुई तो देख, ये उपासना तुझ पे कितने गंदे इल्जाम लगा रही है।
ये बोल रही है कि तू पाठशाला न जाकर जुआ खेलने जाता है? बोल दे बेटा, ये जो भी कह रही सब गलत है, झूठ। बाबा, ये जो कह रही है वो सच? सच कैसे हो सकता है? मैं तो पढ़ाई करने गया हुआ था और मैं रोज पाठशाला जाता हूं। अगर आपको यकीन ना हो तो अध्यापक जी से पूछ सकते हैं आप। शाबाश बेटा। सम्राट दादा सच बोलने की जगह झूठ बोल रहा है, और कैसे इतने विश्वास के साथ कह रहा है कि उसके अध्यापक जी से पूछ सकते हैं। साई बाबा मैं रुको। मन से जाति धर्म का जहर पूरी तरह से निकल चुका हो तो ही अंदर कदम रखना। साई बाबा, ये जाति धर्म के नियम तो शास्त्रों में लिखे हैं, और एक पंडित होने के नाते उनका पालन करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। आप तो अंतर्यामी हैं, आप जानते होंगे कि मेरे गुरुवर ने ही मुझे यहां आने का आदेश दिया है, आपकी सेवा करने के लिए मुझे यहां भेजा है। ना मैं अपने गुरु की आज्ञा का निरादर कर सकता हूं और ना अपना धर्म कर्म त्याग सकता हूं। जब मन पहले से ही पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, हृदय में सद्भावना ना हो, दिल शक सुबह से भरा हो, तो निष्ठा कहां से आएगी सेवा में? ऐसी सेवा तो निरर्थक है, ऐसी सेवा का कोई फल नहीं, कोई पुण्य नहीं। फिर क्या करोगे यहां रहकर? चले जाओ। क्षमा कीजिएगा साई बाबा, पर मेरी भी तो मजबूरी समझिए। गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना मुझसे हो ना सकेगी, ना ही शास्त्रों की अनदेखी कर पाऊंगा, और अब तो आपके आदेश का उल्लंघन कर अंदर भी नहीं आ सकता। ठीक है, जब तक आप अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते, मैं यहीं रहूंगा, आपके द्वार पर बैठूंगा। आप लोग अभी तक गए नहीं, अपने अपने काम पे जाइए। हाँ, आप लोग जाइए। हम लोग यही रहते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर साईं इतने नाराज क्यों हैं। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे पंडित जी, आप ये जाप यहां बैठकर क्यों कर रहे हैं? मैं शिव शंकर का भक्त हूं, ऐसे यहां बैठकर अपना समय गवा नहीं सकता। मैंने सोचा क्यों ना अपने आराध्य को ही भज लूं। यहां शिवलिंग नहीं है,
इसलिए अपने महादेव की मानस पूजा कर रहा हूँ। जब साक्षात शिव आपके सामने है तो मानस पूजा की क्या आवश्यकता? पंडित जी, साई ने आपको अंदर जाने से मना किया है, तो आप यहाँ कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? मैं जब तक अंदर जाकर अपनी गुरुवर की आज्ञा का पालन नहीं कर लेता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आपकी भावना हम समझ रहे हैं, पर आप भी समझिए, और आप तो पंडित हैं तो आप जानते होंगे कि जब तक बुलावा नहीं आता भेंट नहीं हो सकती, और जब तक साई का बुलावा आपको नहीं आता तब तक आप अंदर नहीं जा सकते हैं। जैसा आपके साथ हुआ है वैसा पहले भी यहां हो चुका है। काका महाजनी नाम के एक व्यक्ति साई से मिलने आए थे, लेकिन साई ने उन्हें द्वारका माई में आने से मना कर दिया। उन्हें विवश होकर बंबई जाना पड़ा। फिर बंबई जाते ही उनको पता चला कि अगर वो यहां से नहीं जाते तो उनकी नौकरी चली जाती। साई ने उन्हें वापस भेजकर उनकी मदद ही की है। अगर आपको साई कुछ करने के लिए कह रहे हैं तो या तो उसमें आपकी भलाई है या सीख, और इस सबक को सीखे बगैर आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन मुझे जो संस्कार मिले हैं उनके कारण मन से संदेह जा नहीं रहा है। साई का रहन सहन, उनका पहनावा, मेरे गुरु राव बहादुर साहेब ने बताया था कि साई के दर पर जो भी आता है वो सबको स्वीकार करते हैं उनके दोषों के साथ। तो साई बाबा मुझे मेरी मजबूरियों के साथ, मेरे दोषों के साथ स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? क्षमा कीजिएगा अध्यापक जी, आपको ऐसे अचानक अपने घर बुलाने के लिए, पर बात ही कुछ ऐसी है कि रुका नहीं जा सकता था। वही तो जानने के लिए मैं भी व्याकुल हो चला आया। सम्राट ने कहा कि आपको सम्राट को लेकर कोई संदेह है। जी, वो संदेह दूर करने में आप ही सक्षम हैं। बुरा नहीं मानिएगा आप, पर पूछना जरूरी है। क्या सम्राट रोज पाठशाला आता है? आता है? अरे दशरथ जी, सबसे पहले वही तो आता है और अक्सर देर तक रुकता है, वही बैठकर पढ़ाई करता है। अध्यापक जी, आज भी मैं पाठशाला में ही रुका हुआ था ना? हाँ, लेकिन दशरथ जी, आप सम्राट पर संदेह क्यों कर रहे हैं? ये तो हमारी कक्षा का सबसे होनहार विद्यार्थी है। मैं अपने गुरु की आज्ञा शिरोधार्य समझकर उनकी सेवा कर लूंगा, पर निर्विकार मन से नहीं कर पाऊंगा। सही कहते हैं साई, साक्षात्कार ही सबसे बड़ा गुरु है और हम उसका इंतजार। तात्या, किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। साई, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? जिन्होंने आज तक बिना किसी जाति धर्म का भेदभाव किए मेरे साथ स्नेह रखा है, उनके बुरे वक्त में उनका ऋण चुकाना
मेरा भी तो फर्ज है ना। देख ली इसकी करतूत, अपने हीरे जैसे भाई को बदनाम करने में भी इसको शर्म नहीं आई। बाबा, बाबा मैं सच कह रही हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही आपसे, मैंने अपनी आंखों से देखा है सम्राट दादा के पास वो पत्ते भी होंगे। चुप! आज तूने सारी सीमाएं तोड़ दी, अब अपने बेटे के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। जिस बात का मुझे शक था आज यकीन में बदल गया, तू सम्राट के खिलाफ षड्यंत्र करना नहीं छोड़ेगी। इससे पहले कि तूते से तेरा फन कुचलना होगा हमेशा हमेशा के लिए। मैं सच कह रही हूँ बाबा, मेरा विश्वास कीजिए, सम्राट दादा झूठ बोल रहा है। बाबा दशरथ जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने नहा लिया इसके नाम से, आज से इसका और मेरा रिश्ता खत्म। मैं आज अभी और इसी वक्त इसका श्राद्ध करता हूं। मर गई है मेरे लिए, आज से मैं और मेरा परिवार इस लड़की से मुक्त हुए। सारे बंधनों से, सारे नातों से इस घर के किसी भी सदस्य का तेरे साथ कोई संबंध नहीं। दशरथ, ये तुम क्या कह रहे हो? कन्या तो घर की लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी के निरादर का अर्थ जानते हो ना तुम? ये बेकार की बातें हैं। सच तो यह है कि लड़की वो बोझ होती है जिसे बाप को झेलना पड़ता है।
बाप को कंकाल करने वाली लक्ष्मी नहीं, अलक्ष्मी होती है, दरिद्रता होती है। अब ये बोझ मैं और नहीं उठाऊंगा, क्योंकि ये लड़की आस्तीन का सांप है। मुझे दोबारा इसकी मनहूस शक्ल नहीं देखनी है। बाबा, आज से तू मर गई मेरे लिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, गुस्से में ऐसा फैसला मत लीजिए जिससे आपको जीवन भर पछताना पड़े। कहाँ जाएगी वो अकेली? अगर इतनी ही चिंता है तो तू भी जा उसके साथ। दशरथ, क्या तुम्हें इतनी प्यारी बच्ची पर जरा भी दया नहीं आ रही है? भाई सामा, जब आंखों पर पर्दा हो तो सच दिखाई नहीं देता, लेकिन झूठ का पर्दा ज्यादा दिन नहीं रहता। अगर इसकी इतनी ही पड़ी है तो लेके जाइए अपने साथ। क्योंकि मेरे लिए तो ये मर चुकी है। मैंने श्राद्ध कर दिया इस लड़की का। सिद्धू, तूने अगर मेरे घर की दहलीज लांघी तो तेरे लिए भी इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। सम्राट, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी वक्त है। केवल तुम ही हो जो अपनी बहन की मदद कर सकते हो। मेरे बेटे को बरगलाने की कोशिश ना ही करे तो अच्छा होगा। चल सम्राट। सूरज उगने से पहले अंधकार अपने चरम पर होता है उपासना। चलो द्वारका माई चलो। सिखाया, उम्मीद दी, लड़ने का हौसला दिया, लेकिन बाबा के गुस्से के आगे मेरा सच हार गया। मैं हार गई साई, मैं हार गई। <गए। laughs>
तुम हार नहीं मान सकती उपासना। नहीं साई, अब हौसला नहीं है। मेरी वजह से भाइयों को दुख हुआ, बाबा को गुस्सा आया, हम अब हासिल करने बचा ही क्या है मेरे पास? कुछ भी नहीं, ना घर ना ही परिवार, कुछ नहीं बचा साई। जो हुआ सब मेरी गलती थी, सब मेरी वजह से हुआ। दोषी मैं हूं साई, मैं। उपासना तुम्हें क्या लगता है, अगर सम्राट बिगड़ा है तो इसमें तुम्हारा कसूर है या फिर तुम्हारी बाबा की मानसिकता के लिए तुम जिम्मेदार हो? तुम दोषी हो उनकी सोच के लिए, नहीं उपासना, तुम्हारी कहीं कोई गलती नहीं है। तुम सच्ची हो और इसीलिए तुम हार नहीं मान सकती। लेकिन अगर मैं जीतना भी चाहूं तो किसके लिए साईं? अपने लिए, अपने सच के लिए। उपासना जिंदगी हम सबका इम्तिहान लेती है, सबको परिस्थितियों से लड़ाती है ताकि हम सशक्त हो सकें। जीत उन्हीं की होती है जो हार नहीं मानते। बायजा मां का उदाहरण ले लो, इनकी सासूबाई शुरू शुरू में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, बायजा मां को मुझसे मिलने नहीं देती थी, लेकिन बायजा मां ने हार नहीं मानी। ये रोज मुझे खाना खिलाने आ जाती थी, मुझे अपना बेटा माना था इसलिए मां का फर्ज पूरा करती रही। बहुत बाधाएं आई इनकी जीवन में, लेकिन बायजा मां अपने सत्य पे कायम रही और अंत में जीत सत्य की हुई। एक दिन इनकी सासूबाई का दिल भी पिघल गया और मुझे मेरी आजी मिल गई। अब मुझे बताओ, अगर बायजा मां ने हार मान ली होती तो सुख के इतने पल हमें साथ बिताने को मिलते? जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम। उपासना, इस लौ को देखो, देखो कैसे भड़क रही है। क्या तुम बता सकती हो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दिए की लौ थोड़ी देर में बुझने वाली है। बिल्कुल ठीक, आ, 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 आ,
बुझने से पहले लौ तेज हो जाती है, क्योंकि अंधकार को दूर करने के लिए वो अपनी सारी शक्ति झोंक रही होती है। कुछ ऐसा ही सवेरा होने से पहले होता है। रात सबसे अंधियारी हो जाती है, ठीक वैसे ही मुश्किलें हल होने से पहले, सुलझने से पहले बढ़ती नजर आती है। इसका मतलब यह है कि अंत नजदीक है। केवल अगर तुम मैदान में डटी रहो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि मेरे बाबा कभी मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं, लेकिन मैं सम्राट दादा को बर्बादी के रास्ते पे जाते हुए नहीं देख सकती। पर मैं करूंगी तो क्या? फिलहाल तुम घर जाओ। बायजमा, आप उपासना को अपने साथ ले जाइए। इसे अभी मां के प्यार की जरूरत है। जरूर साईं। चलो उपासना, अपने इस आजी के घर चलो। जितनी बार मैं साईं बाबा को देखता हूँ, उतनी बार उनकी महानता का मुझे और सबूत मिलता है। वो सबकी मदद करते हैं, लेकिन मैं पंडित हूँ, मेरा कर्तव्य शास्त्रों का पालन करना है। साईं बाबा ये क्यों नहीं समझ रहे, क्यों मुझे धर्म संकट में उलझा के रखा हुआ है? जब भी मन उदास हो तो अपनी कला में खुद को व्यस्त कर लेना। इससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और हो सकता है कोई नई राह निकल आए। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। आज अचानक से ठंड बढ़ गई है ना केशव? हाँ, इसलिए तो ये कंबल लेके जा रहा हूँ साई के लिए। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, वो लेंगे? जबरदस्ती ओढ़ना होगा। सारी दुनिया की चिंता करते हैं साई, लेकिन अपनी नहीं। प्रणाम साईं। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। साईं, आज ठंड बहुत है, इसलिए आपके लिए कंबल लेके आया हूं।
लीजिए। मुझे इसकी जरूरत नहीं है केशव। साई, केशव बड़े प्यार से आपके लिए लेकर आया है, इसलिए हमारी विनती है आपसे, मना मत कीजिए। केशव का प्रेम मेरे लिए हमेशा आदरणीय है, पर ठंड भी तो कुदरत का प्रेम है, मुझे ये ठंड ही ओढ़ने दो। साई, पंडित जी ठंड से बहुत कांप रहे हैं, आप उन पर रहम कीजिए। रहम करने वाला मैं कौन हूं? रहम तो वो सर्वशक्तिमान ईश्वर करता है। जब वक्त आएगा तब मेघा भी। अगर वो कहता है कि चीजें बेहतर होंगी तो वो जरूर होंगी। बस श्रद्धा और सबूरी रखने की जरूरत होगी। जानती हूँ आची, साई की दी इसी उम्मीद की वजह से तो आज मैं यहाँ हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि बाबा को सच का पता चल जाएगा और वो सम्राट दादा को सही रास्ते पर ले आएंगे। वो मुझे अपनाए चाहे ना अपनाए, लेकिन मेरे लिए तो यही काफी है कि सम्राट दादा सुधर जाए और बाबा की सारी उम्मीदों पर खरा उतरे। त्योहार है और तुम मातम मना रही हो, वो भी उस झूठी लड़की के लिए। अभी रोनी सूरत बनाना बंद करो। कुछ भी नहीं हुआ, यूं समझो कंधे पर एक बोझ था जो हट गया। केशव, बहुत रात हो चुकी है, अब तुम दोनों को घर जाना चाहिए। जी साई, जी साई।
जिद छोड़ दीजिए पंडित जी, ऐसे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहां से नहीं हटूंगा, ना ही अपने आप से झूठ बोलूंगा। या तो साईं बाबा को मुझे मेरे दोषों के साथ स्वीकार करना पड़ेगा, या मैं अपनी मृत्यु को स्वीकार करूंगा। अगर आज तक मैंने आपकी सच्चे और निर्मल मन से आराधना की है, तो आज मुझे उसका फल दीजिए। प्रभु, मेरी इस पहेली को सुलझा दीजिए। मैं कहाँ गलत हूं ये मुझे बता दीजिए। विष्टर कहाँ गया? क्या मुझे साईं बाबा को सावधान करने के लिए अंदर जाना चाहिए? नहीं गया तो साईं बाबा पे संकट आ सकता है, क्या करूं? लगा दो साईं,
मेरे साई बाबा, मेरे साई शंकर, मेरे महादेव। बाबा क्षमा कर दीजिए मुझे, आपको पहचानने में बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। आपने ठीक कहा था, मैं मूर्ख हूं, जाति धर्म में अटका हुआ था, आप पर भी शंका कर रहा था, जबकि आप स्वयं सत्य हैं, सार्वभौमिक सत्य। और सत्य का कोई धर्म नहीं होता, कोई स्वरूप नहीं होता, सत्य बस सत्य होता है, शाश्वत और अटल। मुझे माफ कर दीजिए साई बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए बाबा। मेघा, तुम्हारी गलती का प्रायश्चित सिर्फ एक है, तुम्हें खुद में बदलाव लाना होगा, अपनी सोच परिवर्तित करनी होगी तुम्हें। तुम तो पंडित हो ना, तो मुझे बताओ ऐसा किस ग्रंथ में लिखा है कि ईश्वर के बनाए लोगों में भेदभाव करना चाहिए, जब सब प्राणी सब मनुष्यों को बनाने वाला एक है, तो उनमें भेदभाव करने वाले हम कौन होते हैं? जरा अपने नाम को ही देख लो मेघा, मेघ वर्षा करने में भेदभाव नहीं करते, हर जाति धर्म के लोगों पर, शुद्ध अशुद्ध जगहों पर एक समान बरसते हैं। तुम्हें भी वैसा ही बनना होगा, पंडित मतलब ज्ञानी, और ज्ञानी का कर्तव्य है अपने ज्ञान के प्रकाश से इस जगत से अज्ञानता को दूर करना। पंडित होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना और लोगों को भगवान के करीब लाना, लेकिन तुम्हारे पूर्वग्रहों के कारण तुम्हारी सोच, तुम्हारी मानसिकता संकीर्ण हो गई, जिसकी वजह से तुम लोग और भगवान के बीच में दीवार बन गए। जानते हो, तुम्हारे मन में रच बस चुके तुम्हारे पूर्वग्रह तुम्हें उन बड़े लक्ष्यों से दूर कर रहे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है मेघा। बाबा, मेरी आंखें अब सत्य देख चुकी हैं, मेरे मन से अब भ्रम मिट चुका है, मेरे मन से सारी शंकाएं मिट गई हैं। अब तो केवल एक ही लक्ष्य है जिसे मैं अभी हासिल करना चाहता हूं, आज के बाद आपके चरणों को छोड़कर कहीं ना जाऊं। अब तो जब सांस साथ छोड़ेगी तभी शिरडी छूटेगी, मैं यहां रहकर पूरे विधि विधान से आपकी पूजा करूंगा। मेघा, बहुत रात हो चुकी है, तुम्हारे ठहरने का इंतजाम धर्मशाला में करवा दिया गया है, अभी तुम वहां जाकर आराम करो, कल सुबह आना, मैं तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंप दूंगा। मेरी अमानत? कैसी अमानत बाबा? सबूरी मेघा, कल सुबह तक की प्रतीक्षा करो। मैं सुबह का इंतजार करूंगा। मन में साय के क्या है, कौन जान पाए। कल तो तुम्हें आना ही पड़ेगा मेघा, क्योंकि एक और सबक है जो कल तुम्हें सीखना है। साईं बाबा कभी शिव बन जाते हैं, कभी कान्हा, कभी यीशु, तो कभी अल्लाह। पता नहीं क्यों साईं बाबा में सबके दर्शन हो जाते हैं।
हूं मेघा। बाबा मैंने ये पूजा की थाल तैयार की है, इससे आपकी पूजा करनी है मुझे। मेघा पूजा तो ईश्वर की होती है, मैं तो सिर्फ उसका बंदा हूं। मेरे लिए तो आप ही ईश्वर हैं। आपके चरणों की पूजा करूंगा तो चारों धामों के पुण्य मिलेंगे मुझे। आप मुझे इस सेवा से वंचित मत कीजिए। सेवा करना चाहते हो? जी बाबा, और वो भी सच्चे दिल से। यह है तुम्हारी अमानत, इसे संभाल के रखा था मैंने। मालसापति जी की सेहत आजकल ठीक नहीं रहती, कुछ दिन खंडोबाजी की पूजा तुम करोगे और आगे भी मालसापति जी का हाथ बटाओगे। इतना ही नहीं, मारुति मंदिर और शनि मंदिर का जिम्मा भी तुम संभालोगे। तुम्हारे और महासापति जी के ज्ञान से शिरडी वासियों का भी भला हो जाएगा। आपकी आज्ञा से राखू पर, लेकिन साईं बाबा मेरी भी एक विनती सुन लीजिए। सभी जगहों की आरती करने के बाद मैं आपकी भी आरती करूंगा। आप मुझे पूजा करने देंगे ना? मेरी आरती की जरूरत नहीं है मेघा। इसकी जरूरत है या नहीं ये भगवान नहीं उसके भक्त तय करते हैं। मैंने तुमसे कहा ना मेघा, मैं भगवान नहीं। मैंने आपको गुरु माना है और एक शिष्य के लिए तो गुरु ही भगवान होते हैं, और आप तो मेरे गुरु के भी गुरु हैं। गांव वालों को आप में पिता दिखते होंगे, तभी तो वो आपको साई बाबा कहते हैं। पिता की कमी तो राव बहादुर साहिब ने कभी महसूस नहीं होने दी मुझे। माँ की ममता की बहुत याद आती थी, और वो आपके पास आकर मिली। क्या आप अपने बच्चे की ये जिद पूरी नहीं करेंगे? ठीक है मेघा, जैसा तुम चाहते हो, अगर वैसा करने से तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगा। राम जी भला करे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सम्राट, लक्ष्मी मैया की पूजा हो गई है, अब देखना अपना सारा अनाज बिक जाएगा। ये क्या? मैं मां लक्ष्मी को खुश करने की कोशिश कर रहा हूं और तुम रोकर मनहूसियत फैला रही हो। तुम्हें रंगोली बनाने को कहा है ना,
आज बड़ा शुभ दिन है। ऊपर से आज मेरे गोदाम में कई सारे छोटे बड़े कारोबारी गेहूं खरीदने आ रहे हैं, इसलिए ये मातम मनाना बंद करो और चलो कुछ अच्छा सा खाने के लिए बनाओ। मैं दुकान से होके आता हूं। अरे ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो ये आंसू बहा रही हो? उसे वैसे भी जाना था एक ना एक दिन शादी करके, समझ लो विदा हो गई इस घर से। और बंद करो ये रोना धोना, तुम्हारे कारण बेचारे सम्राट की भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी ठीक से। सम्राट बेटा यहां, बेटा तुम्हारी आई को तो अक्कल है ही नहीं, लेकिन तुम इन सब बातों पे ध्यान मत देना और कोई तनाव भी मत लेना। हाँ, और ये लो, पाठशाला से आते वक्त कुछ खा लेना। शुक्रिया बाबा। आओ। क्या सच में अपनी जिंदगी में उपासना के ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने अपनी जवानी सम्राट का बाप होने के गुरूर में काटी है। मेरा बुढ़ापा उसमें सम्राट ही तो सहारा बनेगा, मेरा वंश आगे बढ़ाएगा वो। उसके अलावा मुझे किसी और से मतलब क्यों? और वैसे भी तुम्हारी बेटी ने झूठ बोला, उसकी सजा उससे तो मिलनी ही थी। और मान लीजिए अगर उपासना का कहा सच हुआ तो? सम्राट कभी गलत नहीं हो सकता क्योंकि वो मेरा बेटा है, और एक बेटा अपने बाप के साथ कभी कोई छल नहीं कर सकता। मैंने अपने बेटे को ऐसा मार्गदर्शन दिया है कि वो अपने लक्ष्य और अपनी जिम्मेदारी से कभी विमुख नहीं हो सकता।